अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल और लौकी की सब्जी की रेसिपी, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है। बहुत ही आसान तरीके से बना के दिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल रेसिपी रहेगी गाइस। आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहना गाइस। तो चलिए गाइस, बनाना शुरू करते हैं चने दाल और लौकी की रेसिपी। चना दाल और लौकी बनाने के लिए मैंने इधर दाल ले लिया है, ये 250 ग्राम दाल है। इसको मैंने 3 से 4 बार पानी से धो के साफ पानी में भिगा के रख दिया है। इधर हमने लौकी ले लिया है, ये आधा किलो लौकी हमने लिया था, बिल्कुल पतली थी, छोटी साइज के 2 लौकी मैंने काटा है। इसे छोटे साइज में काट के रख लिया है, आप चाहे बड़े भाग में काट सकते हो, मैंने बिल्कुल छोटा साइज के काटा है। तो चलिए गाइस बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए गाइस, एक कुकर ले लिया हमने इधर। अब सबसे पहले इसमें दाल को डाल देते हैं। दाल में हमने साफ पानी में भिगा के रखा था, इसको ऐसे डाल देती हूँ पानी समेत। 250 ग्राम दाल थी हमारी, फूल के इतनी ज्यादा हो गई है, अभी कमी फूली है, मैंने जल्दी भिगा के रख दिया था। इसको 5 मिनट हो गए हैं भिगते हुए। आप इसको दाल को 1 घंटे के लिए भिगा के रखो, तब अच्छी दाल फूल जाती है, इसको सीटी ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी कुकर की। अब पानी डाल देती हूँ दाल में। मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, 1 लीटर से थोड़ा कमी है, ये 1/2 लीटर पानी डाला है। अब दाल में पानी डाल दिया, अब इसमें हम नमक डालेंगे। दाल में हम घिया नहीं डाल रहे हैं अभी, लौकी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि दाल हमारी कम भीगी है, इसलिए इसमें 2 सीटी लगा लूंगी। 2 सीटी लगाने के बाद हम लौकी डालेंगे इसमें। पहले आपकी दाल जो अच्छी फूल गई हो तो लौकी और दाल साथ में डाल सकते हो, पर इसमें हम 2 सीटी पहले लगा लेते हैं ताकि दाल हमारी थोड़ी जल्दी गल जाए। नमक डाल देती हूँ, लौकी भी डालेंगे, उसी हिसाब से नमक डाल रही हूँ, इतना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बाद में डालना नहीं पड़ेगा। आप लोग अपने हिसाब से बाद में चेक करके डाल सकते हो। नमक मैंने डाल दिया दाल में। अब थोड़ी सी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। हल्दी भी डाल दिया है। अब कुकर को ऐसे हाथ से हिला देंगे उठा के, ताकि ये मिक्स हो जाए, नमक और हल्दी जो मैंने डाला है दाल में। अब कुकर पे ढक्कन लगा देते हैं। अब कुकर हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। इसमें 2 सीटी आने देते हैं। 2 सीटी लगाने के बाद में हम लौकी डालेंगे, जब दिखाएंगे आपको। देखिए गाइस, दाल को चेक कर लेते हैं। दाल में हमने 2 सीटी लगा लिया है, गैस बंद कर दिया था। सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए भिगा के रखा था दाल को, आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे के लिए भिगा के रख दो। दाल हमारी अच्छे से गल गई है। अब इसमें हम लौकी डाल देते हैं। इसको मैंने धो लिया है, धो के पानी में भिगा दिया था, एक बार फिर से धो लिया है। एक बार इसे चला देते हैं हल्के हाथ से। अब ये मिक्स हो गई है। इधर मैंने थोड़े से धनिया के डंठल लिया है, पत्ती मैंने रख लिया, उसे बाद में यूज करेंगे। ये डंठल डाल देती हूँ इसमें, दाल में बहुत अच्छा खुशबू आ जाएगा। अब ढक्कन लगा देते हैं, इसमें 1 सीटी आने देते हैं, ताकि लौकी भी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देखिए गाइस, दाल को चेक कर लेते हैं। इसमें हमने 2 सीटी लगा दिया है। इसमें 2 सीटी लगाया है ताकि घिया हमारी अच्छे से गल जाए। अब इसे चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब चलते हैं इसके तड़के के लिए तैयारी करते हैं। दाल को हम साइड में रख देते हैं। देखिए गाइस, दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें सबसे पहले तेल डाल देती हूँ। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहो तो घी में फ्राई कर सकते हो दाल को। तेल हमने डाल दिया है, अब ये गर्म हो जाए। अब तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, मैंने 1/2 चम्मच जीरा ले लिया है, इसे डाल देती हूँ। जीरा हमारा हो गया है हल्का सा। इधर हमने 1 जवा लहसुन को बिल्कुल बारीक काट लिया है, इस तरह के जवा था मोटा सा, मैंने इसी को काटा, 1 ही जवा लिया है, इसे बिल्कुल बारीक काटा है, डाल देती हूँ। आप चाहो तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के डाल सकते हो, पर मैंने बिल्कुल बारीक काट के खाली लहसुन डाला, अदरक का यूज नहीं किया है। अब एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ, प्याज को भी बिल्कुल बारीक काटा है। अब प्याज को भून लेते हैं, प्याज का ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है, हल्की सी सुनहरी कलर की हो जाए, उसके बाद में बाकी के मसाले डालूंगी। मैंने इधर 5 साबुत लाल मिर्च ले लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। आप चाहो तो छोटा छोटा काट के डाल सकते हो, बीच से इसको 2 भाग करके डाल सकते हो, मैंने इसे साबुत डाल दिया है।
ये सारी चीजें हो जाए हमारी अच्छे से, उसके बाद मसाले डालूंगी। प्याज हमारी हो गई है, इधर मैंने दो टमाटर काट लिया है छोटे साइज के। टमाटर हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़े से इधर पिसे हुए मसाले ले लिया है, मैंने ज्यादा नहीं लिया, बिल्कुल हल्के मसाले डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, एक चम्मच धनिया पाउडर है, ये हाफ चम्मच हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा मैंने हाफ चम्मच से कम लिया है गरम मसाला, एक चम्मच लाल वाली मिर्च है तीखी वाली, इसे भी डाल देती हूँ। सारे मसाले डाल के अच्छे से भूनेंगे, टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। एक बार मिला देते हैं अच्छे से। हल्का सा इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब सारे मसाले अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि तेल नहीं सेपरेट हो जाता है। टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, मसाला हमारा भून गया बहुत अच्छे से। इधर हमने चार भारी मिर्च लिया है, इसको बीच से फाड़ लिया लंबाई में, अब इसे डाल देती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में, चना दाल और घिया में। अब इसे मिला देते हैं एक बार। अब कुकर की दाल जो है इसमें डाल देती हूँ। इसे आराम से डालना, आप लोग जब भी ऐसे पलटना कढ़ाई में, क्योंकि छींटे पड़ने लगते हैं ऊपर। दाल कुकर में लगी हुई है, अब इसे छोड़ा के डाल देती हूँ। अब दाल मैंने सारी डाल दिया कढ़ाई में, अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। इसमें बहुत अच्छा कलर आया माशाल्लाह, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच डाला था इसीलिए बहुत अच्छा कलर बन गया है। इसमें पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, इतना पानी इसमें काफ़ी है, क्योंकि घिया का पानी छूटा था इसीलिए इतना पानी हो गया है। मैंने दाल अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसमें एक उबाल आने देते हैं। थोड़ी सी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ ऊपर से। बहुत टेस्टी बनी है दाल गई, घिया और दाल आप लोग जरूर बना के खाना, बहुत टेस्टी लगती है खाने में चावल के साथ चपाती के साथ। वीडियो हमारी जरा से भी पसंद आ रही होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ये दाल में उबाल आना शुरू हो गया है, इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा उबाल आ जाए इसमें, बस उतार बंद कर दूंगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। देखिए गाइस, दाल में उबाल आ रहा है, इसे थोड़ी देर एक मिनट और पकाऊंगी, बस गैस को बंद कर दूंगी। एक बार ज़रूर बना के खाना गाइस मेरी तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके घर वाले हर कोई तारीफ करेगा। देखिए गाइस, दाल हमारी बनके तैयार हो गई है, इसमें एक उबाल आ गया था, मैंने गैस को बंद कर दिया है, अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं।